यमराज की जय हो। बोलो चार और पाँच। सांबर अच्छा बनाना भाई, लोग खुश होने चाहिए। तू बस यही खेलते रहे ना, खाना बनाते बनाते तेरा दिमाग खराब हो गया, किसी काम का नहीं रहा तू। गर्मी कम करने के लिए मिर्च नमक कम करना होगा। क्यों भाई, गर्मी ज्यादा हो गई है? नहीं तुझे है क्या? अरे क्या ढूंढ रहे हैं मामा? एटीएम टाटा सेल फोन, मैंने लड्डू बनाते वक्त यही पास में रखा था। लड्डू खत्म करने के बाद देखा तो वहाँ नहीं था, कहाँ गया पता नहीं। लगता है लड्डू में मोबाइल मिक्स हो गया है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी ज्योतिष देखता हूँ। मोबाइल कहाँ है बता सकता है? क्या कर रहा है क्या? नहीं सच बता। उस पागल से पंगा मत लो, तुम अपना काम करो। महाकाली दो सिक्सर, वो तो लड्डू में मिक्स हो गया है। क्यों भाई, आपका सेल खो गया क्या? मोटू तूने कहीं छुपा कर रखा है क्या? लगता तुझे काम पे रखकर मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या, मेरा फोन बज रहा है? कहाँ है? ऐसा लग रहा है कहीं अंदर से आवाज आ रही है। अरे पागल, मेरा प्यारा सा सेल फोन तूने पेट में छुपा लिया है क्या? आपका सेल मेरे पेट में है क्या? मेरे लड्डू खाते वक्त लड्डू के साथ सेल भी अंदर चला गया, मुझे लगा था कि बिस्किट है। क्या रे, बिस्किट समझ के मेरा सेल फोन खा गया? ये ले पागल कहीं का। खाना बनाने के लिए अर्जेंट ऑर्डर के लिए फोन आया होगा, अपना हाथ हटा। हेलो हेलो बोलिए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे बोलो ना कुछ। हेलो फोन खा लिया तूने, तू मुझे फंसा के रहेगा। मोटे भाई से डर दे कहीं का, कब फोन आ जाएगा पता नहीं, साथ में रह। ये सेल फोन से नहीं, लैंडलाइन से फोन आ रहा है। लैंडलाइन फोन हो या सेल फोन हो, तू मेरे पीछे रह। क्यों भाई, जैसे लड़की को छूते वैसे काट रहे हो? जल्दी काटो जल्दी काटो, तू मेरे पीछे आ बोटू। तुमने क्या किया बेटा? इस लड़की का नाम पल्लवी है, ये तुम जानते थे क्या? कल शाम को मंगनी होने वाली है, उस लड़की को क्या जवाब देगा बेटा? उस लड़की के अपने घर में आने तक हमें भी पता नहीं चला। जवाब दो बेटा, तुम इस लड़की को घूर क्यों रहे हो, जवाब दो ना। पिताजी, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की, ये मेरी पहली गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। कैसे माफ करेंगे बेटा, सच में तुम क्या बोल रहे हो, सोच कर तो बोल रहे हो ना। वो लड़की है बेटा, तुमने उसे बुलाया नहीं, फिर भी वो खुद अपने घर में आ गई। वो भी कहाँ से आई है जानते हो? अमेरिका का, अमेरिका से। सुनो बेटा, अमेरिका में तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना? तुम और वो लड़की अच्छे दोस्त हैं, ये वो भी बता रही थी। मीना की शादी में भी आई थी ना? उस वक्त ही इस लड़की के बारे में बताना था ना। तुम्हारी मंगनी है, तुमने इसे बुलाया नहीं तो भी ये आ गई, देखा? पागल कहीं का, करण ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ बेटी, तुम ये समझो कि हम सब ने बुलाया है तुम्हें। ऐसा ही समझ लेती हूँ दादाजी। ठीक है, अब खाने का वक्त हो गया है, सभी लोग खाने के लिए चलो। सुनो भाई, ये मेरे साहब का बैग अंदर रख दो। हाँ ठीक है साहब। अरे अरे, ये सब काम तुम क्यों कर रही हो बेटी? अरे तुम करण की दोस्त हो, तुम बैठो। ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, आप जाके बैठ जाइए। मुझे आप मत कहिए, छोटी हूँ ना, मेरे नाम से बुलाइए। ठीक है पल्लवी, जाके बैठ जाओ। कोई बात नहीं, मैं दादी माँ के साथ बैठकर खा लूंगी। हमारे पोते की शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी शादी कब होगी? आपके पोते के साथ करूंगी, मेरा मतलब पोते की शादी में अच्छा लड़का देखकर शादी कर लूंगी। ये तो अच्छी बात है। ऐसा है। हाँ। तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। गधे की तरह क्यों चिल्ला रहा है? वो क्या है ना, मेरा पंप में हाथ लग गया था। ये बताओ बेटी, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी, इसके पिताजी का हैदराबाद में बिजनेस है। अमेरिका में मेरे पोते ने सिगरेट पिया है? अरे नहीं, वो माचिस तक नहीं छूता। अच्छी बात है, वहाँ ठंड है, रोज शराब तो पीता ही होगा ना। वो विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, बियर, ये सब पीता है क्या? पीता नहीं है, पीने वालों से नफरत करता है।
ओए करण, पल्लवी को खाना खाने के बाद ले जाके अपना घर दिखाओ। हाँ। पल्लवी, यहाँ एसी नहीं है। आपके दिल में जो जगह है उससे बढ़कर एसी वाला घर नहीं हो सकता दादाजी। मेरी प्यारी पल्लवी, तू अमेरिका में रह के भी ऐसी बातें करती है। मेरे करण की दोस्त को तुम लोग क्या समझते हो? अरे लगाने देना प्लीज। अरे अभी तक नहीं लगाया भाई। भाई साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, करंट मत दीजिए, अंदर चार्ज हो रहा है। अरे मोटू, तुझे खाने के अलावा और कुछ आता है क्या? आधा घंटा संभालना। ये चार्ज होने से पहले डिस्चार्ज हो जाए तो इसको करंट देते हैं, अगर इसको झटका लगा तो ये भी मेरी तरह हो जाएगा, तब देखना। अभी एक को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अब दो को कैसे संभालेंगे? मामा चार्ज कर लो। अरे मैंने कहा ना चार्ज करो। हाँ कर लो। मामा मैं क्या कह रहा हूँ, इसको फल खिला खिला कर हम इसके पेट का ऑपरेशन कर डालेंगे। सॉरी, अभी आ सकते हो? एक कुंवारी लड़की का एक कुंवारी लड़की के कमरे में इस तरह आना, चुप क्यों हो गए? कह सकते हो होने वाली पत्नी के कमरे में आए हो। ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? ए, अपने आप को क्या समझते हो? मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया? अब छोड़ा क्यों? हाथ तो तुमने प्यार से पकड़ा था ना? नहीं हो सकता, कहा था ना। घर वालों को पता चले कि तुम कौन हो, यहाँ से निकल जाओ। दादी जी। हाँ? अब क्या हुआ? दादी को क्यों बुलाया? क्या है पल्लवी? सुनिए ना दादी जी, ये मुझे यहाँ से भगा रहा है। ऐसा कहा क्या? क्यों बेटा, ये क्या बोल रही है? वो बात नहीं कह है दादी। रहा है मैं कौन हूँ ये बताने में से तकलीफ होगी, अगर उन लोगों ने कुछ गलत समझ लिया तो फिर वो लोग क्या समझेंगे। अरे क्या, वो लोग कोई आसमान से नीचे आए हैं? वो लोग भी अपनी तरह हैं। सुनो पल्लवी, इसकी शादी होने तक मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर ये कुछ कहेगा तो मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। तुम मुझे बताना, ये लड़की अमेरिका से यहाँ आई है और तुम इसे भगा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं इसे नहीं जाने दूंगी। देखा दादी माँ ने क्या कहा, इस बार अगर तुमने कुछ कहा ना, मैं दादी को सीधा जाके बता दूंगी। दादी को पटा लिया ना? तुम्हारे लिए किया। ये क्या, करण साहब यहाँ क्यों आए थे? वो कुंभकरण डाइटिंग कर सकता है, इस पर भरोसा कर सकता हूँ, पर करण साहब ऐसा घटिया काम कर सकते हैं, इस पर भरोसा नहीं होता। अमेरिका में शादी से पहले ट्रेनिंग होती है, कुछ भी हो करण साहब को बिगड़ने से पहले दादाजी को बताना पड़ेगा। यूं ये हमारे घर में होने वाली शादी आखिरी शादी है और करण की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। आपसे जरूरी बात करनी। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जरूरी बात करनी है। देख नहीं रहा, फोन पे बात कर रहा हूँ। साहब जी, आपसे जरूरी बात क्या करनी बोल रहा था मैं? सुनिए तो सही आप। ओके, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक काम करो, फालतू की बातों में फंसे, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। अगर तूने कुछ उल्टा सीधा बताया तो सोच ले। आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। वो कुछ नहीं साहब जी, वो करण साहब है ना, बहुत अच्छे इंसान है, घर में रहने वाले सभी अच्छे लोग हैं, करण साहब तो बहुत अच्छे हैं, यही कहना चाहता था। इधर खड़े हो जा। यही खास बात बताने के लिए मुझे डिस्टर्ब किया, नालायक कहीं का। हेलो, हाँ मैं क्या बोल रहा था समझ गया ना? हाँ तो शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तेरी ऐसी की तैसी, सब कुछ अच्छे से हो जाए। माकली 2-4। वो मेघराज हमें शराब क्यों पिलाता है ये जानते हो क्या? पीने के लिए। मजाक कर रहे हो, एक दूंगा तो सर फट जाएगा। पता है वो हम पे शक करता है। अभी तूने पहली बार सही बात की है भाई। सुनो, चाहे जितना भी शराब पी लो, भले ही मर जाओ, लेकिन अपना राज बाहर नहीं जाना चाहिए। वो तो पता है, लेकिन वो हम पर शक कर रहा है। तो धीरे बोल दे। हमारे खाने की वजह से चार लोग मर गए, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो लोग अभी क्या खाएंगे? जब देखो खाने की बात करता रहता है। मैं शादी का काम कर करके थक गया हूँ। सॉरी ब्रदर्स, मैं आने में लेट हो गया। मुझे शराब नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। मर्दों वाली शराब मत पी, लड़कियों वाली जिन भी तो है। अयो रामा, ये दोनों मिला के पीऊंगा क्या? Yes! चलें क्या? अरे तुम लोग खाने वाले हो पीने वाले हो जानकर ही रहूंगा। मेरे सामने तो बेटा तो चाइल्ड आर्टिस्ट है। आप लोगों से एक सीक्रेट पूछता हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ तो फिर चलो मैं बाहर। चलो कॉमेडी मत करो। क्या हुआ था ये साफ साफ बता दो, फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में? फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में? फ्लैशबैक में। सीताराम साहब यहाँ खाना बनाते वक्त फ्लैशबैक में क्या हुआ था ये बताना। ऐसे बैक में नहीं, फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक
कभी मलयालम फिल्म देखी क्या? मलयालम फिल्म में हमेशा नहीं देखता हूँ। वहाँ फ्लैशबैक नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं ना रिंग 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 दिखाते हैं। मतलब तुम्हारी पिलाई शराब का नशा चढ़ गया भाई। हम लोगों को सुलाने आया था, खुद ही सो गया। चलो बाहर चलते हैं। आप सब लोग बाहर चले जाओ, मैं इसका साथ देने के लिए यहीं सो जाती हूँ। फिर तो इसकी जिंदगी खत्म, इसको कोई नहीं बचा सकता।